हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सबको मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस का जो थ्योरी है उसको, कुछ कुछ केस में उसका कुछ एक्सेप्शंस रहता है। लाइक मिराबिलिस जलापा एक प्लांट है जिसका नाम है मिराबिलिस जलापा। कलर ले लेते हैं हम लोग। ओके ओके, इसका नाम है मिराबिलिस जलापा, एक साइंटिफिक नेम है एक प्लांट का, एक फ्लावरिंग प्लांट का। ओके, तो इसका जो फ्लावर होता है, इस साइंटिफिक नेम को ये याद रखिएगा, मिराबिलिस जलापा। ओके, तो इसका जो फ्लावर होता है ना, वो जनरली रेड कलर का एंड वाइट कलर का फ्लावर मिलता है, रेड एंड वाइट। और इस दोनों कलर के फ्लावर का जो प्लांट होता है, एक रेड कलर का फ्लावर जो होता है उसका उसके साथ एंड वाइट कलर का जो फ्लावर होता है उसके साथ क्रॉसिंग करवाया गया है। ओके, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करते। होप आप शायद आप लोगों को लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में पता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव एलील अगर एक ही साथ रहे, दैट्स मीन हाइब्रिड। इन द केस ऑफ हाइब्रिड, हाइब्रिड के केस में क्या होगा, जो डोमिनेंट एलील का जो फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन है वो शो करवाएगा, राइट। जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी अगर रहता है तो वहाँ पे प्लांट टॉल होता है, राइट। तो कुछ इस तरीके से। तो पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये है कि यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं किया जाता है, उसका ठीक उल्टा होता है। कैसे हम लोग देखते हैं, मिराबिलिस जलापा के जो रेड कलर के फ्लावर के साथ व्हाइट कलर की फ्लावर के प्लांट का क्रॉस करवाया गया है। रेड कलर के जो एलीलिक फॉर्मेशन है, जेनेटिक फॉर्मेशन है, वो कैपिटल आर एंड व्हाइट कलर का स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। यहाँ पे रेड कलर जो है ना ये डोमिनेंट होता है एंड व्हाइट कलर का जो जो एलील होता है वो रिसेसिव होता है। तो एफ वन जेनरे, इसको क्रॉसिंग करवाने के बाद एफ वन जेनरेशन पर हम लोगों को मिलेगा आर डब्ल्यू हाइब्रिड, हम लोगों को पता है क्योंकि मोनोहाइब्रिड कॉस ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, राइट। तो आर डब्ल्यू क्या, जैसे कि जनरली क्या होना चाहिए था, डोमिनेंट एलील जो होता है उसका जो फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन है वो शो होना चाहिए था, दैट्स मीन यहाँ पे रेड कलर होना चाहिए था, पर ये हुआ नहीं। क्या हुआ, आर डब्ल्यू पिंक कलर शो किया, दैट्स मीन एफ वन जनरेशन में जितने भी हम लोगों को हाइब्रिड मिला, जितने भी प्लांट मिला, वो सारे के सारे पिंक कलर के फ्लावर शो कर, उस सारे के सारे में पिंक कलर के फ्लावर मिला हमें। तो ये तो होना नहीं चाहिए था यहाँ पे। तो अगर एफ वन जनरेशन पे ही मैं रुक जाऊँ तो यहाँ से ही मुझे पता चल रहा है कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसका मान्यता नहीं हो रहा है, राइट, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो उसके यहाँ से ही मुझे समझ में आ जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बट उसके बाद भी हम देखेंगे एफ टू जनरेशन में, दैट्स मीन दो हाइब्रिड के बीच में क्रॉस करवाया गया है, राइट। ओके, दो हाइब्रिड के बीच में क्रॉस करवाया है और हमें मिला क्या, कैपिटल आर कैपिटल आर। जैसे कि हमें पता है एक प्योर डोमिनेंट मिलता है, दो हाइब्रिड मिलता है और एक प्योर रिसेसिव मिलता है, राइट। ये हमें पता है, ये चारों मिलेगा। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया, क्या दिखाया गया, जो हाइब्रिड है कैपिटल आर स्मॉल डब्ल्यू, उसमें उसमें दिखाया गया हमें कि ये दोनों अपना पिंक कलर शो कर रहे हैं, मतलब ना वो रेड कलर शो कर रहा है ना वाइट कलर शो कर रहा है, दैट्स मीन ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखा रहा है प्योर। पर यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हम लोगों को जनरली पता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या होता है, जेनोटॉपिक रेशियो 1:2:1 एंड द फिनोटॉपिक रेशियो होता है 3:1। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे आप देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे हो रहा है कि आपका जेनोटॉपिक रेशियो तो 1:2:1 ही रहेगा क्योंकि एक प्योर डोमिनेंट, दो हाइब्रिड, एक प्योर रिसेसिव, राइट रहेगा। पर फिनोटॉपिक रेशियो क्या होगा, 1:2:1। कैसे, एक रेड दो पिंक एक वाइट, पर जनरली क्या होता है 3:1। मेंडल का जो थ्योरी था, लॉ ऑफ डोमिनेंस का जो थ्योरी था, उसके केस में मोनोहाइब्रिड केस में 3:1 होता है। पर यहाँ पे होता है अलग, यहाँ पे आपका जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक जो रेशियो होता है एफ टू जनरेशन में सेम होता है, राइट, सेम होता है। मतलब फेनोटाइपिक रेशियो भी 1:2:1 एंड जीनोटाइपिक रेशियो भी 1:2:1। तो इस टाइप के जो फेनोमेना रहता है उसको कहते हैं हम लोग लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं किया जाता है। तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में जान सकते हैं। इस जैसे कि मिराबिलिस जलापा प्लांट पे मिलता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये, तो अच्छे से देख लेना। और कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो
तो कमेंट बॉक्स पे बता देना, और मेंशन रहता है मेरा ईमेल आईडी एंड आपका जो मेरा व्हाट्सएप नंबर रहता है तो उस पे मेंशन रहता है आपको। और भी किसी टॉपिक में अगर आपको वीडियो चाहिए तो बोल सकते हो आप, आपको कुछ भी डाउट हो तो हमें वहाँ पे बता सकते हो आप, आपके जो सेवा में हम हाजिर हैं। प्लीज़ लाइक कॉमेंट एंड शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू।